बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और जिस वीडियो का आप दोस्तों को इंतज़ार था, आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नेशनल सेविंग सेंटर में जिन लोगों ने अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाए और वो परेशान थे कि हमें 31 अक्टूबर तक अगर टाइम ना मिला तो उसके बाद हम कब ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो अभी नई डेट का ऐलान नहीं हुआ था। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी, तो अभी तक मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं थी। तो आज ही नेशनल सेविंग सेंटर के हवाले से एक नई अपडेट आ गई है कि अब आप अपना अकाउंट 31 दिसंबर 2022 तक खुलवा सकते हैं। अभी तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो कूपन जो चेक वगैरह है उस पर ले सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और 31 दिसंबर का टाइम है। काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि हम जिस ब्रांच में जाते हैं वहाँ पे कस्टमर्स का रश बहुत ज़्यादा होता है और हमें सही जो है ना वो सर्विसेज नहीं मिल सकती, जिस वजह से हम अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे और टाइम भी कम है। तो उन दोस्तों को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि टेंशन नहीं लेनी, अब आपके पास 31 दिसंबर 2022 तक टाइम है, यानी कि 2 महीने और आपको मिल गए हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इदारा कौमी बचत आपके गैर मुतजलजल एतमाद का हमेशा ममनून रहा है। आपकी बचतें एक तरफ मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल होती हैं, दूसरी तरफ बेहतर मुनाफा और महफूज सरमायाकारी की जामिन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी बचत की खिदमात को जदीद खतूब पर फराम करने के लिए महाना मुनाफा की हामिल स्कीमों RIC, BSE, PBA के लिए सेविंग्स अकाउंट को लाजमी करार दिया गया है। इदारा इस अमर से बखूबी आगाह है कि लाजमी सेविंग्स अकाउंट की शर्त की वजह से हमारे कुछ मराकज में सरमायाकारों की आमद में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेश आने वाली दुश्वारी पर हम माजरत खां हैं और मुअज्जज सरमायाकारों के तावन के तलबगार हैं। कौमी बचत के सेविंग्स अकाउंट और महाना मुनाफा की मुंतकीली से सरमायाकार मंदरजा झेल सहूलतों से मुस्तफीद हो सकते हैं। नंबर 1, 13.5% सालाना शरह मुनाफा मौजूदा शरह 13.5% तक मुनाफा। नंबर 2, मुफ्त ATM डेबिट कार्ड मिल सकता है आपको। नंबर 3, IBN के हामिल पर्सनलाइज चेक बुक बिल्कुल मुफ्त। खुदकार निज़ाम के तहत BSE, PBA और RIC के महाना मुनाफा की सेविंग अकाउंट में मुंतकली। खुदकार निज़ाम के तहत BSE, PBA और RIC के महाना मुनाफा की रास्त के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट में मुंतकली। मोजेज खातादार अपनी रकम मुनाफा मुल्क भर में कौमी बचत की किसी भी ब्रांच से जमा या निकलवा सकते हैं। डेबिट कार्ड के ज़रिए मुल्क भर में कायम POS से ख़रीदारी, मुल्क भर के माशी निज़ाम से मरबूत अकाउंट। नंबर 9, हुकूमत पाकिस्तान की कामिल ज़मानत का हामिल सोवेरियन गारंटी। मजीद बराम मुस्तकबिल करीब में मदजा जेल सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। नंबर 1, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अकाउंट सरमायाकारी अदायगियों की तफसीलात आपके हाथ में। नंबर 2, SMS अलर्ट, कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करें और माशी खुद मुख्तारी, समाजी तहफ़ और मालियाती शमूलियत के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें। तो दोस्तों, मेन अकाउंट इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताना था कि ये जो सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है कि पहले आपको कूपन पे मिल रहा था प्रॉफिट, अब उन्होंने कहा कि नहीं अकाउंट खोलेंगे। आपके जिस स्कीम में भी पैसे जितने भी पड़े हैं, अब आपका वो झंझट ख़त्म हो जाएगा, आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो दे सकते हैं कि आपने किस अकाउंट से क्या सोर्स ऑफ इनकम देना है। तो उसमें यह फ़ायदा होगा कि आपके तमाम स्कीमों का प्रॉफिट इकट्ठा करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और आपको चेकबुक मिलेगी और चेकबुक के ऊपर आपने वही अमाउंट दर्ज करनी है और जाके बैंक काउंटर पे या किसी भी शहर किसी भी जगह पे नेशनल सेविंग की ब्रांच से जाके आप एक ही चेक पे अपना सारा मुनाफा महीने की अपनी डेट पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जहन में रखें 31 दिसंबर 2022 तक टाइम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली अहम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।